तो आज मेरे साथ काफ़ी दिनों के बाद रंजीत सर टाइम दे पाए हैं ब्लॉग में आने के लिए, और जो सबसे बड़ा टॉपिक है आज परीक्षा पे चर्चा करना चाहेंगे। 10-12 के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं बोर्ड के, और अदर क्लासेस के भी, सभी क्लासेस के पीटी चल रहे हैं, तो इसके बारे में सर कुछ मार्गदर्शन करना चाहेंगे सर आप। हाँ देखो, सबसे पहले तो मैं 10th-12th के लिए सबसे पहले तो बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहता हूँ उन्हें, क्योंकि 12th क्लास का आज केमिस्ट्री का एग्ज़ाम शायद इस टाइम पर चल रहा होगा। ओके। तो उन सभी बच्चों के लिए जो आज के पेपर में अपीयर हो रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक। और एक संदेश मैं देना चाहता हूँ, एक मैसेज मैं देना चाहता हूँ इन बच्चों को कि बच्चे क्या है, डिफरेंट टाइप की बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन ये जो टाइम है बिल्कुल एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम है। इसमें मैं बच्चों से कहना चाहूँगा वो ज़्यादा अपने रास्ते से ना भटक के सिर्फ NCERT के ही क्वेश्चंस का रिवीजन करें, उन्हीं को अच्छे से प्रिपेयर करें, और अच्छी प्रिपरेशन होगी तो मुझे लग रहा है कि वो अच्छे मार्क्स ले पाएंगे। तो ज़्यादा अलग अलग बुक्स ना पढ़ के मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि सिर्फ फोकस करें NCERT को, उससे ज़्यादा किसी बुक को, ज़्यादा इधर उधर की जो बुकें होती हैं उनको ना छेड़ें, जो कोर है उसको, उस पर कमांड करें, उस पर बार बार उसको पढ़ें, उसको रिवाइज करें, बार बार प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस, भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है बच्चों को। हाँ, तो अपना 100% जो है NCERT को ही, और मुझे उम्मीद है कि वो बहुत अच्छा कर पाएँ। यही मैं 10th के बच्चों को भी कहना चाहूँगा, और यही 12th के बच्चों को भी मैं कहना चाहूँगा। कुछ मैसेज छोटी क्लासेस में देना चाहेंगे आप, जो अभी उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं? हाँ, अब बहुत सारे स्कूल्स हैं जो अपने PT स्टार्ट करा दिए हैं, तो उन बच्चों को भी मैं कहना चाहूँगा कि एक तो सिलेबस छोटा है उनका, एक एक दो दो चैप्टर का सिलेबस है टेस्ट के लिए, तो वो भी जो डायरेक्शन टीचर ने दी है, जो टीचर ने पढ़ाया है, उसी को रिवाइज करें, उसी को पढ़ें, उसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स आती हैं तो टीचर के सामने रखें, उन्हें डिस्कस करें, और अच्छे मार्क्स लेकर के। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। हाउ आर यू? यस सर, हाउ आर यू?
सिट डाउन। वेरी गुड, दिस इज अ गुड एफर्ट, वेरी गुड।